जब समाज में धर्म से ओतप्रोत शिक्षा दी जाएगी, जब समाज में धर्म से ओतप्रोत वातावरण बनाया जाएगा, अगर टेम्परेचर तापमान काफी ठंडा हो, खूब ठंडक हो, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी लकड़ियों को एक जगह जलाया जाए, तो गर्मी पैदा हो जाती है। उसी तरीके से हमारे जीवन में भी कितने भी हम दुष्कृत्य कर रहे हैं, कितने भी हम पाप कर रहे हैं, यदि उसको निस्वार्थ भाव से कोई शुद्ध करने वाला मिल जाए, स्वार्थ नहीं होने से, क्योंकि जहां पर स्वार्थ होता है वहां व्यवसाय हो जाता है। सेवा में और स्वार्थ में अंतर है। एक सेवा जो होती है, कहते हैं हम तो सेवा कर रहे हैं, बदले में कुछ भी पाने की कामना ना हो, कुछ भी पाने की। हमने आपसे बताया कि महानदी मैया का हम लोगों ने पूजन किया लगातार 3 वर्ष से, बदले में कोई कामना नहीं थी। बदले में क्या कामना थी? कि हमारी महानदी मैया ऐसे ही लहलहाती रहे, उनका जल निरंतर बढ़िया लोगों को पवित्र करता रहे। और आज उनकी ही कृपा से उस निस्वार्थ सेवा के बदले में भी, पर अभी तो कुछ नहीं है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं। आप देखते हैं ना कि नदी में 50-50 क्विंटल की, 50-50 टन की मछलियां पेट भर रही हैं। ठीक है, व्हेल मछली के बारे में बताइए, देखते हैं। कहते हैं उसमें जो है कई हाथियों का बल होता है। अब बताइए, तो समझिए आप, इसी तरीके से इस संसार में भी बड़े बड़े विशाल राक्षस रहे, लेकिन हुआ क्या उनका अंत में? सर्वनाश। चाहे वो चंड मुंड हो, चाहे वो महिषासुर हो, चाहे वो हिरण्यकश्यप हो, चाहे वो बाली जैसे दिखने वाले हों। और हमने आपको बताया है कि हमारे आपके बीच में ही राक्षस रहने लगे हैं। पहले अलग एरिया होता था उनका, अलग मोहल्ला होता था, अब अलग मोहल्ला नहीं है। अब आपको काटने के लिए आपके साथ में ही लोग रहेंगे। ये सिस्टम है, और ये हमारा आपका बनाया सिस्टम नहीं है, प्रकृति ने शुरू से बना दिया है। समय के साथ साथ क्या होगा? धीरे 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 बदलता जाएगा। इसमें किसी की गलती नहीं है। अगर कोई बोले अगर सूरज निकलता है तो अंधेरा क्यों हो जाता है, फिर सूरज ही दिन रात रहा है, सूरज तो कहीं जाता ही नहीं है। लेकिन प्रकृति का नियम है कि पृथ्वी घूमती है जब इस टाइम पर, तो फिर ऑटोमेटिक अंधेरा होता है। आप कितना भी बदलना चाहें, जिसके जीवन में कष्ट लिखा है आप उसको सुख नहीं दे सकते। वो भी खूब प्रयास करेगा लेकिन उसको प्राप्त नहीं होगा। और जिसके जीवन में आनंद लिखा है उसको ना भी कोई देना चाहे तो भी जो है अचानक अचानक मिल जाएगा उसको। हाँ, हमारे जीवन में एक पुरुषार्थ, एक परमार्थ का जो क्रम दिया गया है कि जीवन में पुरुषार्थ करना है, परमार्थ करना है, क्योंकि जो शरीर मिला है ये परमार्थ के लिए मिला है, पुरुषार्थ करने के लिए मिला है। हमने आपसे बताया है, बच्चे पैदा करना, अच्छा भोजन करना, अच्छे कपड़े पहनना, ये कोई जीवन का उद्देश्य नहीं है। हम लोगों को लगता है कि देखो मैंने अच्छे कपड़े पहन लिए, मैंने अच्छा खा लिया। हमारे जीवन का उद्देश्य है हमारी जो नेत्र है ना, हमारे नेत्रों से हम दूसरों की अच्छाइयों को देखें और अच्छाइयों को देख करके उसको उत्साहित करें। अब उसका उसका उत्साह वाला जो पेंच है वो ढीला है, मान लो, ठीक है ना? उत्साह वाला पेंच यदि ढीला है तो उसको आप उसको कसेंगे वो फिसल जाएगा, लेकिन पवित्र भाव से आप अपना काम करते चले, हम अपना काम करते चलें, ठीक है ना? अरे कहते हैं कि अहिल्या जो है पत्थर की हो गई थी, है ना, पत्थरवत थी वास्तव में,
उनको भी भगवान के चरण स्पर्श होने से वो सुंदर नारी के रूप में जो फिर उपस्थित हो गई थी। तो सोचिए कि हमारे धर्म ग्रंथों में इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई गई कि आप जो हैं एक पत्थर से उम्मीद कर सकते हैं कि एक पवित्र आत्मा से मिलने पर वो बदल सकता है, उसका निर्माण हो सकता है। तो हम आप तो पत्थर के नहीं हुए ना अभी, अभी हम आप जो हैं अभी तो हमारे अंदर एक सरल हृदय है, हमारे आपके अंदर एक तरलता है, पवित्रता है, निर्मलता है। और स्वार्थ, प्रकृति ने स्वार्थी तो बना दिया है ना हमको, माया, माया का काम ही यह है कि जाओ फंस जाओ, जा करके जल में जाओ और गीले ना हो, आग में जाओ और जलो नहीं, धूप में जाओ तपो नहीं, संभव नहीं है। तो ये प्रकृति का नियम है। और प्रकृति में अपने आप को, जैसे कहते हैं ना कि कमल के जो पुष्प हैं, कमल के जो पत्ते होते हैं कितने चिकने होते हैं, कि जल की बूंद भी जो है उसमें रुकती नहीं है। इसी तरीके से हम मानवों के लिए भी एक नियम है कि हम लोगों को भी स्वार्थ से हम लोग लिप्त ना हों। स्वार्थ आएगा परेशान करने, ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, अहंकार आएगा, अहंकार आपको बर्बाद करने के लिए आएगा ही, स्वार्थ आपको तोड़ने के लिए ही आएगा। कई बार स्वार्थी व्यक्ति को भी लगता है कि हम स्वार्थी नहीं हैं, भाई मेरा कौन सा स्वार्थ है, ठीक है। तो इसलिए खुद को टटोलते रहें। हम हमेशा कहते हैं खुद को रोज निहारो, खुद को रोज संवारो, हर पल काटो छांटो अपने बुरे विचार सुधारो। किसको सुधारना है? खुद को। दूसरे को सुधरना होगा तो सुधरेगा, और नहीं तो क्या, एक कहावत पुराने गांव देहातों में कही गई है कि आदमी सुधरना होगा तो सुधरेगा किससे? आपसे, और नहीं तो सगे बाप से भी सुधरने वाला नहीं है। गांव देहातों में पुराने लोगों ने कब कहावत बना दी है। तो निश्चित मानिए, और ये क्रम सबके लिए है, हम सब, कोई भी बचा नहीं है इससे, मक्खी मच्छर छिपकली सर बिच्छू, इनकी सबकी प्रकृति है। देखिए सबको बनाने वाला परमात्मा है, लेकिन एक के अंदर जहर भर दिया और एक के अंदर जहर नहीं है तो भी बड़ा जहर भर दिया। मनुष्य जब बोलता है तो जहर उगलता है, और जब जीव जंतु शांत रहते हैं तो जहर उगलते हैं, वो चुपचाप रहते हैं सीधे फुस डस दिए, और मनुष्य जो है जहर उगलता है उस जहर से। अच्छा जीव जंतु का जहर फिर भी काम का है कि कम से कम उससे तुरंत मर जाता है आदमी, लेकिन जो मनुष्य द्वारा जहर डाला जाता है शरीर में वो जहर जीवन भर, जैसे फोड़ा हो गया, अब फोड़ा हो गया तो उसका निशान बन गया, और निशान मरते दम तक उसको प्रभावित करता है। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन की जो उपलब्धि है वो हमको यदि परमात्मा ने कान दिए हैं तो अच्छी चीज़ों को सुनने के लिए, मंत्र सुने, गीत सुने, भजन सुने। हमने आपको बताया ना ब्रह्मा जी के चार पुत्र जो थे तो वो लगातार निरंतर कथा एक दूसरे को सुनाते रहते हैं। हमारे जीवन में भी यही हो, हम लोग भी एक दूसरे से कथा सुनते और सुनाते रहें, दूसरी चीज़ों में लिप्त ना हो। जीवन का उद्देश्य यही है। तो बोले बाबा जी फिर कमाना खाना, अजगर करे न चाकरी पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो बोले तो निकम्मा बनाने की बात है, निकम्मा नहीं बनोगे आप, मजबूरी में भी करोगे। जब शरीर नहीं चलता तो मुंडी अपने आप हिलती है, कौन हिलाता है, आप रोको। शरीर जब नहीं चलता, जब आदमी निष्क्रिय हो जाता तब भी जो है बैठे बैठे उसका शरीर मुंडी हिलती है, कौन चला रहा है इसको जबरदस्ती, प्रकृति। आप नहीं चाहेंगे तो भी आपसे करवा लिया जाएगा, जो करवाना है तो उसके लिए
आप प्रयास करिए, रोज संकल्प लेना पड़ेगा। संकल्पों की ताकत ही आपको मजबूत करेगी, ध्यान रखिएगा। और संकल्प को समझने वाला व्यक्ति नहीं संसार में जल्दी। हमने आपसे बताया कि आप खेत में जब जाते हैं कटाई करने, तो आप संकल्प लेके जाते हैं, अपन हवन करते हैं ना, भगवान जब हम कटाई करें तो थोड़ी छाया कर देना, भगवान थोड़ी मौसम से बचाए रखना। ये क्या है, आपके संकल्प हैं। संकल्पों को समझना पड़ेगा, संकल्पों से किसी का नुकसान नहीं होता, ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि हम लोग कहते हैं पूर्ण प्रभावी सत्संकल्प कैसे होंगे पूरे, चिंता मत कर कर्म किए जा कुछ न रहेंगे अधूरे। उसमें एक बात आती है, क्या, सोच सदा सच्ची हो, भावना अच्छी हो। सोच अच्छी होना चाहिए, सोच सदा सच्ची हो, भावना अच्छी हो, ईश्वर हरदम साथ खड़ा है, बस चल धीरे धीरे। परमात्मा निरंतर हमारे आपके साथ में चलते हैं, निरंतर बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी छल कपट के, पाखंड के। हाँ, आपको संकल्प बार बार लेना पड़ेगा। देखिए सुशील भैया रोज गाड़ी मांग के जाते हैं किसी ना किसी से, संकल्प है ना कि हमको जाना है। आप लोग समय पर आते हैं कि हमको जाना है, कथा सुनने जाना है भाई। तो ये आपका संकल्प किसको, आपको ही तो मजबूत कर रहा है। अच्छा बताइए, आपके कथा सुन लेने से बाबा जी कौन सा फायदा होना, और बाबा जी के कथा सुनाने से, ठीक है, एक वृक्ष के नीचे यदि कोई आके बैठ जाए और वृक्ष के सामने होशियारी बताए कि देखो मैं आ गया तुम्हारी छाया लेने, तो वृक्ष का कोई कुछ आपने जो है उसके ऊपर एहसान नहीं किया। लेकिन वृक्ष क्या कहता मालूम है, वृक्ष एक बड़ी खास बात है, वृक्ष कहता है मैं तुमको छाया देकर भी धन्य हो गया, मेरी छाया धन्य हो गई कि तुम्हारे जैसी पवित्र आत्मा इस छाया में आकर बैठी है, मेरी छाया। क्यों, हमने आपको बताया कि आपका धन उल्लू बनाने में तो नहीं लग रहा, उल्लू बन के तो नहीं आ रहा, ना आपका धन उल्लू बनाने में जाए, ना आप जो है किसी को उल्लू बनाए। आपका धन इतना पवित्र हो, इतना पवित्र हो, कहते हैं निर्मल पावन भावना सबके सुख की कामना, सबके सुख की कामना। क्योंकि कहते हैं तत् दुखे दुखित्वम और तत् सुखे सुखित्वम, जो दूसरों के दुख में दुखी हो जाए और जो दूसरों के सुख में सुखी हो जाए वो है सच्चा इंसान। इंसान के अंदर यदि भाईचारा ना हो, प्रेम ना हो, तो काय की राम कथा। बताइए भाई, जब बार बार बोलते रावण इतना ज्ञानी था, रावण इतना ज्ञानी था, अब मान लो कोई बोल देगा बाबा जी कहाँ का ज्ञानी रहा, जब चोरी चमारी नहीं छोड़ पाया तो, है ना। तो कुल मिलाकर के सवाल जवाब हमारे आपके अंदर खूब हैं, और गलतियां, अगर गलतियां निकालने वाले तो राम जी की 1000 गलतियां निकाल देंगे अपन बैठे बैठे, गलतियां निकालने सीता जी की 1000 गलतियां निकाल देंगे। लेकिन अरे गलतियां निकालना है तो अपनी गलतियां निकालें, कथाओं से तो सीखने के लिए मिलेगा। अभी अपन ने बात की थी, माता पार्वती ने अपने मैल से गणेश जी को तैयार कर दिया, इतने मैल से बदबू के अलावा कुछ नहीं आवे, बिना मैल निकले शरीर से बदबू आने लगती है पसीने की, और पार्वती जी माता जी ने देख लिया पसीने से गणेश जी, मैल से गणेश जी निकाले। ये क्या है, तप का साहस है, तपने के बाद ये मिलता है। वाणी आपकी पवित्र हो जाती है, तो कहते हैं आपकी वाणी जब पवित्र हो जाती है ना तो वाक सिद्धि इसको बोलते हैं। कुछ ना हो आपके पास, आपने कहा सब हो जाएगा, उसने कहा बाबा जी सब हो गया, आप बोले थे, बाबा जी कहने यार हम तो ऐसे बोल दे रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आपकी वाक सिद्धि क्यों हो गई, आप निरंतर पवित्र, निरंतर पवित्रता के साथ लगातार काम कर रहे हैं, मन से वचन से कर्म से किसी के प्रति कोई छल कपट नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई आडंबर नहीं, फिर ऑटोमेटिक काम होते हैं।
सुशील भैया ने अभी जो है कहा, बाबा जी आप लोग बैठिए, चलिए गाड़ी में, मैं आ जाऊंगा। मैंने कहा आपका संकल्प पवित्र है, आप हमसे पहले पहुंचोगे, और हमसे पहले पहुंच गए। अब कोई बोले बाबा जी आप सही बोले थे, भाई मैंने पवित्र भाव से बोला था। इनका पवित्र भाव था जो अपना त्यागता है उसको ज्यादा मिलता है, इसलिए त्याग जीवन में, त्याग बड़ी चीज है। आप मजदूरी कर लेंगे तो 200 300 400 500 ज्यादा के आदमी नहीं है। तो बोले बाबा जी त्याग का फायदा क्या है? अब आप त्याग का फायदा देखो ना, आप नीचे बैठे हो मैं ऊपर बैठा हूं, लगाव का रहा है, ठीक है ना। ये है त्याग के बदले में जो मिलता है, मान सम्मान पद प्रतिष्ठा संपत्ति सुख सुविधा और तो और पवित्रता, और सबसे बड़ी तो पवित्रता है। आप क्या कहते हो बच्चों से, बेटा चला करो थोड़ी बाबा जी कथा सुनने बेटा, ठीक है। क्यों कहते हैं मालूम? क्योंकि आप सुन करके समझ रहे हैं, और समझ रहे हैं तो आप कहते नहीं बाबा जी का उद्देश्य पवित्र है, और नहीं तो बार बार किसी चीज को कहने की आवश्यकता नहीं, लेकिन फिर भी याद दिलाना पड़ता है। किसी ने कहा बाबा जी कलयुग में हम सोच नहीं सकते थे कि बिना धन के भी कथाएं हो सकती हैं। अभी नैगमा में किसी ने कहा था बात, और तो और एक सीओ साहब आए, उन्होंने कहा कि बाबा जी आज मैं बहुत प्रसन्न हूं आपकी कथा को देख करके, अब कोई भी कथा करवा सकता है। मैंने कहा चलिए आपने इस बात को समझा, नहीं तो स्वाभाविक सी बात है भाई, आज जब आपसे बोला जाता कि विश्वकर्मा जी साहू जी माता जी गांव में अपन सोच रहे हैं तो कथा करवाना है, अरे भैया अपने बस की बात नहीं है, ये तो बड़े आदमियों का काम है। अब आपकी कल इच्छा होगी ना तो आप परसों पहुंच जाओगे आश्रम, और बोले बाबा जी हम सोच रहे हैं सब लोगों को गांव वालों को कथा सुनना है, ठीक है ना। अभी आज खमतरा से एक सज्जन आए, परसों उनको पथ लेके आना है। अब देखिए पथ लेके किसका आना है, माता भद्रकाली का स्थान है आश्रम में, वहाँ पे उनने बदना बदी आकर के मैं से बोले बाबा जी लड़कियाँ हैं लड़का नहीं है। तो मैंने कहा हमारे बस की बात नहीं कि हम कछु दे सकी, अगर आपको ऐसा लगता है तो आप आए हैं स्थान पर पूजा करिए, माता जी के सामने दीपक जला दिए और दिल से मांगिए, हमको तो बिना मांगे मिल रहा, तो हमारा भरोसा है आपको मांगने पे तो मिल ही जाएगा, और आप मांगो मत। क्या कहते बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख, ठीक है ना। और उस व्यक्ति ने अभी 2 महीने पहले उनको बालक हुआ, आए बड़े प्रसन्न होकर के। तो हमारा थोड़ा क्रम है उल्टा क्रम है कि कोई आता तो हमको लगता हम क्या दे दें इसको, हमारे साथ थोड़ा ये रहता है कि हम उसका ये नहीं देखते कि ये क्या लेके आया है, हमको लगता है ये जाए तो आश्रम से खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, ये राजा की पहचान है, राजा के गुण है ये। राजा हमने बताया ना कि राजा सिर्फ जो मुकुट लगाने वाला राजा नहीं है, आपके अंदर राजा जैसी प्रवृत्ति होनी चाहिए। कोई आए तो आपके अंदर ये भाव हो कि इसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ। हम लोग क्या करते हैं, खाली हाथ आ गया सामने वाला, कुछ लाना चाहिए था इसको हमसे मिलने आया, अरे क्यों खाली हाथ नहीं आ सकता, कोई खाली हाथ भी तो आ सकता है, तुम खाली हाथ आए थे इस संसार में, अब वो भरा है, कौन क्या लेके आया बताओ थोड़ा, अरे एक लंगोटी तक नहीं थी हैं? और यहां आके जलवा दिखाने लगे 5000 का कोट पैंट पहन के कि देखो मैं राजा बाबू, अरे काय के राजा बाबू, ना पहन के आए थे ना पहन के जाओगे हैं? और बीच में इतना भयंकर अहंकार, देखो मेरे पास 10000 का जूता है, देखो मेरा 20 मंजिल का मकान है, मेरे पास 6 ट्रैक्टर हैं, 11 बहुएं हैं, बासी रोटी खाए के नहीं मिले और 11 बहुएं हैं, हैं? किस बात का अहंकार? जिसने पैदा किया उसके प्रति कोई भाव नहीं, उसके प्रति कोई समर्पण नहीं। माता पिता को तो इसलिए पूजने के लिए प्राथमिकता दी गई है कि जैसे हम जिस बस से जाते हैं यात्रा करते हैं उस बस का सम्मान करना चाहिए, उस बस के नट बोल्ट ना खोलें, उस बस के नट बोल्ट खोलोगे तो तुम नहीं पहुंचोगे, बस का कोई नुकसान नहीं होना, बस तो टूटने के लिए ही बनी है, शरीर जर्जर हो जाएगा और एक दिन
नष्ट हो जाएगा। आप माता पिता का सम्मान कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, नहीं करो कोई समस्या नहीं है, कोई समस्या नहीं कर रहे हो, तुम जानो आप अपना कर्म बिगाड़ रहे हो, आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है। अगर आप बस को रोज पहुंचते हैं तो आपकी बस चमक रही है, और नहीं पहुंचते तो आपकी बस गंदी हो रही है। ये हमारा रथ ही तो है, हमारी आत्मा सारथी रूप में जो है इसको चला रही है, इस रथ को। और इस रथ को यदि हमने रोज नहला दिया, अच्छा बताओ आप जब खुद को नहलाते हैं तो क्या आप कहते हैं देखा तुम्हें आज हम साफ करे हन, हम अगर दो साफ नहीं तो ऐसे रहे आद्या, आप कहते हैं कभी ऐसा अपने शरीर से? अरे आपने शरीर पर उपकार नहीं किया। कहते हैं शरीर आपके यदि स्वस्थ रहेगा, मस्तिष्क मस्त रहेगा, आप आनंदित रहेंगे, और नहीं तो आपको देख के 10-20 लोग उदास बैठ जाएंगे। आपको देख के मन प्रफुल्लित होना चाहिए लोगों का, आपका जब चेहरा देखे ना लोग तो लोगों के अंदर आनंद की वर्षा होने लगे, वाह ऐसा होना चाहिए। आपके चेहरे को देखकर तेज प्रकट हो, आपके चेहरे को देखकर आनंद प्रकट हो, और जबकि आपके चेहरे को देखकर तेज और आनंद प्रकट होता, और तेज और आनंद गरीबी में है, रहीसी में नहीं है, ध्यान रखिए। बड़े बड़े तपस्वियों की देखिए ढांचा हड्डी है, लेकिन उनका तेज देखो। कल बच्चे हंस रहे थे, हमने कहा बेटा हम साबुन तेल मंजन बस कुछ नहीं लगाते, तो कहते हैं बाबा जी चमकते क्यों हैं? ठीक है ना, ये चमक वस्तुओं की चमक नहीं है, वस्तुओं की चमक नहीं है, वस्तुओं की चमक होगी तो अब क्या होगा, एक निश्चित समय के बाद अब तेल खत्म हो गया तो बोले आज रूखा रूखा लग रहा है, साबुन नहीं लगाया आज, आज शैंपू नहीं लगाया, आज क्रीम नहीं लगाए। ये बताइए चिड़िया कौन सा साबुन शैंपू क्रीम लगाती है? लेकिन जब चिड़िया को देखते हैं क्या मन प्रसन्न होता, कितनी सुंदर लग रही, लगता है इसकी एक फोटो खींच ली भैया थोड़ी, लगता है ना। और बढ़िया जो है जब वो डुबकी मारती है तो ऐसा उसके पंख है लोई लोई, बड़ा आनंद देख के आनंद आता है। ये प्रकृति आपको आनंद परोस रही है निरंतर। फूलों को देखिए, फूल खिल रहे हैं, हैं? आज कितनी सारी वैरायटीज हैं पेड़ पौधों की, पक्षियों की, इंसानों की दो ही वैरायटी है, एक राक्षस एक देवता। इंसानों की दो वैरायटी है, एक प्रकृति राक्षसी और एक देवत्व वाली। अब आप सोचिए, और इसके बाद भी इतनी कम वैरायटी में भी वो लोगों का नुकसान करने से बाज नहीं आता है। जानवर आप देखिए जबरदस्ती शायद ही कोई जानवर आके भिड़ता है, ठीक है ना। सोचिए आप, ये हम लोगों के साथ में जो है जीवन में कुछ ऐसे क्रम जुड़े हैं जिनको हम लोग समझ लें, अगर हमारा जीवन सकारात्मकता से सराबोर हो जाएगा, भर जाएगा। जैसे अगर आपके घर में अनाज भरा हुआ हो और अगर 10-5 लोग आ गए तो रत्ती भर भी आपको फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप उसको बता नहीं रहे हो कि मेरे पास एक बोरा गेहूं है, किसी को नहीं बता रहे हो आप, आपको यहां पता है। और यदि आपको मालूम है कि 10 लोग आए हैं और यार शक्कर नहीं है घर में, तो आप अंदर ही अंदर जो है थोड़ा परेशान होंगे, चिंतित होंगे, क्या करें क्या करें क्या करें, आप बता नहीं रहे किसी से, अंदर ही अंदर। उसी तरीके से आपके अंदर यदि आनंद का खजाना है तो एक नहीं 1,00,000 लोग आ जाएं। भाई आज यहाँ कथा बैठने के लिए जितने लोग, कथा सुनने के लिए जितने लोग बैठे हैं और आ जाएंगे, कोई समस्या नहीं। हमने आपसे बताया पुष्पक विमान में एक आदमी की जगह हमेशा खाली होती थी, ऐसा बताते, सही गलत परमात्मा जाने, क्योंकि हम सत्य करने के लिए नहीं बैठे कि बाबा जी कैसे थी कि क्या है, हम नहीं जानते। हमने सुना बताया, जिसको मानना माने, नहीं मानना नहीं माने, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करते, ठीक है ना भाई। आप अपनी साइकिल में 5 आदमी बैठा लेते हो, साइकिल को ले 1 आदमी के लिए बनी है, तो अब आदमी कहेगा 5 आदमी कस के बैठा ले, अरे वो आप जानो, ऑटो में देख लो 20 आदमी बैठा लेते हैं, 25 आदमी, और ऑटो में बैठा लेने का 3 का नियम है। हम लोग केरल में थे तो 3 से 3.5 नहीं बैठा सकते थे, और यहाँ पे 30 आदमी बैठा लेते हैं, ठीक है ना। तो आप ये सोचिए कि आपके अंदर जो उपस्थित है, आपका ज्ञान, आपका अहंकार, आपका पवित्र भाव, आपका अपवित्र भाव, ये सब
आपको आनंदित भी करता है, आपको कुंठित भी करता है, आपको दुखी भी करता है। आज हम लोग कहीं ना कहीं एक सार की तरफ जा रहे हैं, रस को खींच रहे हैं। थोड़ी देर बाद अपन बोलेंगे लौकुश कांड हो गया, रास्ते लख हो गया, सियावर रामचंद्र की जय, ठीक है ना। लेकिन इतने अकेले से काम नहीं चलने वाला है। आपने कथा सुनी है, कथा समझी है, तो कथा को आचरण में लाना पड़ेगा। आचरण में क्या लाना है? किसी को दर्द नहीं देना है और किसी से दर्द लेना भी नहीं है। किसी ने आपको जो है, देखो दुनिया ठेस पहुंचाने के लिए बैठी है, दुनिया आपको ठोकर मारने के लिए बैठी, क्योंकि दुनिया काम है भाई। इसीलिए कहा दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई। एक जैन साहब थे, पढ़ाया करते थे, आपको किसी को शायद अगर ध्यान हो, विलायत कलम हमको ध्यान आ गया, वो एक गाना गाते थे पढ़ने वाले बच्चों के लिए इसी गाने को लेकर के, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, करनी ना पड़ती पढ़ाई। पढ़ाई के लिए मास्टर जी थे, सबने अपने अपने गीत, और खाने न पड़ते मास्टर के डंडे, कापी में ना मिलते गोले गोले अंडे, दुनिया बनाने वाले काहे को दुनिया बनाई, करनी ना पड़ती पढ़ाई। तो बच्चे बड़े आनंदित होते कि अच्छा गाना बनाए साहब, हमारे सर अच्छा गाना गा रहे हैं। वास्तव में दुनिया बनाने वाले ने तो बना दिया, लेकिन ये कहा है किसी का दर्द मिल सके तो ले उधार, किसी के वास्ते हो तेरे दिल में प्यार, जीना इसी का नाम है। ये राम जी का जीवन है, ये भगवान का जीवन है। जिस भी देवी देवता को आप मानते हैं, ये उस देवी देवता का जीवन है। किसी को आप ना मानो, भगवान सूर्य को आपको मानना ही पड़ेगा। न मानो, बीमार पड़ जाओगे, चाल बोलो मैं सूर्य देव के दर्शन नहीं करूंगा, मैं देखो बगैर सूर्य के जिंदा रह के दिखा सकता हूं। चार दिन नहीं निकलता सूर्य ना, तो बुद्धि हरी हो जाती है। क्यों भगवान जी, भगवान हाँ सूर्य देव दी अपन को जो है दर्शन नहीं देते, है ना। तो अपना जो है, अपना ऊर्जा का जो उपक्रम है वो गड़बड़ा जाता है। इसलिए रामायण में बताया गया सूर्यवंशी, ये जो है सूर्यवंशी संकेत है। जिसको समझना है सार, सार को गहर है थोथा देर पड़ा है। कहते हैं हंस जो है, हंस मोती चुगता है और कौआ गंदगी में बैठता है। भाई ये बताइए, आपके यहाँ कथा चल रही है, आपके यहाँ किसी का बिगाड़ होने की तो बात नहीं की जा रही, लेकिन क्या सब लोग प्रसन्न हैं? सब लोग प्रसन्न हो ही नहीं सकते, नियम है। प्रसन्न कौन होगा? जिसके अधिकार क्षेत्र में प्रसन्नता है, जिसने नौकरी की वही पेमेंट का अधिकारी होगा। मतलब जो जाकर कथा में जिसने भाव को समझा है, श्रवण किया है, उसको पता है। और नहीं तो बोलते हैं भैया देखो आजकल तो कथाएं जो होती हैं वो दुकानदारी वाली कथाएं होती है। बिल्कुल सही बोलते हैं, अपनी जगह उनकी बात बिल्कुल सही है, क्योंकि वो दुकानदारों की कथाओं में ही जाते हैं, ठीक है ना। और एक चीज और समझिए, अब अगर आपको लग रहा है कि आपने उस व्यक्ति को जो पुरोहित हैं, जो ब्राह्मण, उनको कुछ दे दिया, तो आपने एहसान नहीं किया। आपके यहाँ जो मिस्त्री काम करता है ना, तो 500 रुपये लेता रोज के सिर्फ दीवार जोड़ने के। जो दीवार जोड़ रहा अकेले वो 500 रुपये का आदमी है, तो जो आपके जीवन को जोड़ रहा, अगर आपने उसको 2-4-5 हज़ार रुपये दे दिया, तो आपने एहसान नहीं किया। उसने तो नहीं किया, वो अपना काम किया, पंडित जी ने भी अपना काम किया और आपने भी अपना काम किया। उनको मांगना नहीं चाहिए, आपकी सामर्थ्य तो दिए बहुत अच्छी बात है, नहीं दिए वो उनका टेंशन है, ये अपनी कथा से इसका संबंध नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप उनको कहते हैं, आप ये बताइए जब मजदूरी करने जाते हैं, तो आप मजदूरी करने जाते तो मजदूरी तो लेंगे, आप तो ठोंक पर जाके बता देते हैं 350 रुपये रेट है, ठीक। हाँ अब उनका रेट है भाई,
जैसे राजा कहीं जाता तो राजा का कोई रेट थोड़ी होता है, राजा को आपने बोला। अभी हमारे पास राजस्थान से फोन आया, निमंत्रण आया कथा यज्ञ का, ठीक है ना। हमको मालूम है कि हम जाएंगे तो सब मिलेगा, लेकिन हम उनसे बोल दें कि अरे बताओ हम आप तो कामिली हैं, ठीक है ना। और कभी भी किसी के सहारे ना चलें तो सबसे अच्छा आनंद है। आप अगर सगे लड़के के पास भी जा रहे हैं तो अपना किराया भाड़ा अपने पॉकेट में लगा के रखना, कोई भरोसा नहीं है कि वो जो है आपको लौटते समय किराया दे दे। कहे पापा क्या बताऊं, आज पत्नी को पार्लर भेज दिया तो 500 खर्च हो गए, ठीक है ना। तो सोचिए, इसलिए भरोसा किसका, सिर्फ परमात्मा का भरोसा। भाई हम तो परमात्मा के भरोसे पर हैं, खाए हैं तो भी ठीक, नहीं खाए तो भी ठीक, हमारे आनंद का, ठीक है ना। अभी जो है आश्रम कोई आता है तो कहेगा अरे यार बाबा जी अभी कुछ बनाए नहीं, अरे हो गया बन जाएगा कोई दिक्कत नहीं, नहीं बनेगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो बोले भगवान को भोग क्या लगे, अरे भगवान को भोग हम अपने जो है पवित्र विचारों का लगा दें ना, भगवान को इसकी भी जरूरत नहीं है। भगवान को आपने अपना पूरे शरीर को समर्पित करो ना। अब शरीर को समर्पित करते हैं तो शरीर को समर्पित करने में सोचिए कचरा भी तो जा रहा है परमात्मा के पास में। हमारे शरीर का निर्माण कैसे होता है, हमारे शरीर में यदि देखा जाए तो कितनी सारी चीजें हैं। हमारे शरीर में पसीना बनता है, मल बनता है, मूत्र बनता है, कितने सारे विकार हैं। और इसके बाद भी जब वो अंदर ढका है तो हमारा शरीर बाहर से सुंदर दिखता है, ढक्कन में ऊपर जैसे पैकिंग नहीं कर दिया कचड़ा अंदर और ऊपर पैकिंग बढ़िया बड़ी सुंदर, चंदन तेल लगा के त्रिपुण लगा के अच्छा धोती कुर्ता पहन के बेहतरीन, थोड़ी और कार में बैठ गए ले बोले बड़ा सुंदर है। अंदर की सुंदरता जो है वो यदि नहीं है तो फिर कोई मतलब नहीं है। और हम लोग परमात्मा को, एक डाकू था आपको बताएं, थोड़ा ध्यान से सुनना पड़ेगा। एक डाकू था, डाकू देवी का बड़ा उपासक था। तो बोले ये लोग उपासक कितने बड़े बड़े हो जाते हैं जितने डाकू आकू लोग रहते हैं, क्योंकि इनको भरोसा रहता है, हमको आपको भरोसा नहीं भगवान पर। ये लोग भगवान पर भरोसा करते हैं। रावण शंकर जी का इतना बड़ा उपासक क्यों था, दुर्योधन भगवान का उपासक था। दुर्योधन ने जल के अंदर जाकर तपस्या की, हिरण्यकश्यप ने 10,000 वर्ष तक पैर के अंगूठे पर खड़े होकर तपस्या की, प्रहलाद जैसी संतान ऐसे पैदा हो गई क्या। ये सब बड़े बड़े महान तपस्वी थे। तो डाकू जो था रोज जाकर के भगवान के पास में, माता जी के पास में, काली माता का उपासक था वो। और काली माता की उपासना करते करते जो है रोज का उसका नियम था, लेकिन वो पीता था शराब। अब शराब पीता था तो किनारे जाके पिया करे शराब, माता जी के पास न पिया करे। तो एक दिन कोई आया उसके पास, बोले ऐसे बता आप सारे काम माता जी के पास करते हो, शराब क्यों लुक के पीते हो। बोले शराब अच्छी चीज नहीं है। तो बोले तुम तो जानते हो यार। तो बोले अच्छा एक काम करो, शराब लेकर के तुम माता जी के सामने, तो माँ है ना भाई, अब माताएं बैठी हैं, अगर लड़का पी के आ गया तो क्या करिए, दो चार लट्ठ मारी ऐसे ज्यादा क्या करिए। और बोले कि एक काम करो, तुम शराब जो पीते हो माता जी को चढ़ाया करो, जो भी तुम खाओ पियो। बोले शराब भी चढ़ाए। बोले और क्या। तो बोले अच्छा नहीं लगेगा। बोले क्या अच्छा नहीं लगेगा, छोड़ो फिर। बोले नहीं छोड़ नहीं पाएंगे। तो बोले एक काम करो, कैसे चढ़ाना है। बोले एक काम करो माँ, इस शराब का जितना जहर है वो तुम ले लो और इसका जो अमृत है वो मुझे दे दो। दो दिन, चार दिन, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना किया। इसके बाद उसके मन में प्रेरणा आई, मैं कितना बड़ा स्वार्थी हूँ, अपनी माँ को कह रहा हूँ कि माँ जहर जहर तुम ले लो और अमृत अमृत मुझे दे दो। खुद को उसने कोसा, और खुद को कोसने के बाद में उसने जो है मन में उसके ग्लानि हो गई, छी मेरे जैसी संतान धिक्कार है, और रो पड़ा माँ की गोद में, माँ मुझे क्षमा करो माँ,
मैंने आपका बड़ा दिल दुखाया है। और जब माँ के सामने संतान रोती है ना, तो कितना भी बड़ा कपटी पुत्र हो, कितना भी कुछ भी हो, कहते हैं माँ का हृदय बड़ा जो है कोमल होता है, नरम होता है, पवित्र होता है। तो अब आप सोचो, जब जिस माँ को इस धरती माँ के बाद दर्शन हुए, असली माँ जो सबसे बड़ी माँ है धरती माँ है, ध्यान रखना, क्योंकि वो सबकी माँ है, आपकी भी माँ है, माँ की माँ की माँ की माँ की माँ, जैसे परम पिता है वैसे परम माता हमारी धरती माँ। उस धरती माँ, अच्छा हमने आपको बताया धरती माता भी माफ नहीं करती है, उपटा लगता है ना, हमने आपको बताया था उपटा लगता है, उपटा क्या है, सजा है, थोड़ा देख के चलो, है ना, थोड़ा देख के चलो, ये संकेत करती, धरती माता भी कहती है ऐसे ही ना चले चलो, थोड़ा देख के चलो, और नहीं तो उपटा लग जाएगा तुम जानना। और उपटा में तो लोग मर तक गए हैं, सोचो आप, बोले उपटा से कैसे मर गए, आप लोग सब जानते हैं, तो सोचिए आप। तो हमारे जीवन का जो सार है, हमारे जीवन का जो लक्ष्य है, हमारे जीवन का लक्ष्य नर से नारायण की यात्रा है। हम लोगों ने रोज उस बात को सुना है, समझा है और प्रेरणा ली है, और हमारी संतानों को प्रेरणा मिले हमारे द्वारा किए गए कार्यों से, और निराशा को फटकने ना दें जीवन में। नर हो न निराश करो मन को, कुछ काम करो, कुछ काम करो। और जब आप संकल्पित भाव से, पवित्र भाव से, क्या करना है मुझे इस बात का संकल्प ले लीजिए, और अगर नहीं ले सकते क्या करना है, तो एक बड़ी अच्छी बात आपको बताएं, ये संकल्प ले लीजिए मुझे ये काम तो नहीं करना है। अगर आप ये नहीं कर सकते कि मुझे जीवन में क्या करना है, तो ये संकल्प ले लीजिए ये काम तो कभी नहीं करूंगा। जैसे हम कहते हैं हम भाई जीवन में नशा तो कभी नहीं करेंगे, हम जीवन में मांस तो कभी नहीं खाएंगे, हम किसी को बाध्य नहीं करते, जिसकी जो इच्छा है आप कर सकते हैं, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन पेड़ के फल से मीठा होता है क्या मांस? पेड़ में जो फल लगे हैं अगर उससे मीठा लगता हो मांस, तो आप जरूर खाइए। और किसी की जीव हत्या करने में, एक बार आपको एक घटना बताते हैं, उस घटना को सुनना चाहिए, समझना चाहिए, उससे बड़ी आपको प्रेरणा मिलेगी। जो लोग मांस का उपयोग करते हैं उनके लिए बड़ी प्रेरणादायक है। हम बिल्कुल कभी किसी को मना नहीं करेंगे, आप लोग अपनी मर्जी के हैं, राजा हैं, ठीक है, लेकिन थोड़ा विचार करना पड़ेगा। एक व्यक्ति, एक परिवार, उसको मांस का बड़ा शौक था, रहते हैं लोग, कुछ स्थानों पर मजबूरी है मांस खाना, जहाँ समुद्री क्षेत्र हैं वहाँ मछली खाना और ये सब खाना मजबूरी है, लेकिन वो लोग भी धीरे धीरे बदल रहे हैं खुद को, क्योंकि वो कहते हैं अरे स्वाद तो दाल भात में है। हाँ थोड़ा सुनिए बात को, है ना, और वो जो है परिवर्तन हो रहा है, बहुत परिवर्तन हो रहा है। हम लोगों की आंखें खराब हैं इसलिए परिवर्तन दिखता नहीं है, हम लोग स्वयं खराब हैं इसलिए दूसरों को खराब देखते हैं। तो बदलना किसको है? खुद को बदलना है। जो खुद को नहीं बदलता वो हमेशा दूसरों से शिकायत करता रहेगा, ऊं तो ऐसा ना, ऊं तो ऐसा ना, ऊं तो ऐसा ना, हम कैसा ना, हम कैसे हैं। इसलिए हमारी शिकायत हमसे जरूर हो, दूसरों से नहीं। अरे हम दूसरों को बदल रहे हैं, हमने क्या कहा, आप कथा सुनो चाहे नहीं सुनो, हम तो सुन रहे हैं, हम अपनी आत्मा को परमपिता परमात्मा के साथ में संबंध बना करके इस कथा को सुन रहे हैं और सुना रहे हैं। जो सुन रहा है बहुत अच्छी बात है, नहीं सुन रहा है उससे कोई ग्लानि भी नहीं है हमको, हम उसको ये नहीं कह रहे ये पापी है तो नहीं सुन रहा है, अरे नहीं, वो महात्मा धर्मात्मा है, वो कोई दिक्कत नहीं है। हम क्यों जबरदस्ती में उसके साथ में द्वेष रखें, ठीक है ना भाई, पेड़ के नीचे आप आओगे तो छाया मिलेगी, पेड़ के नीचे आप आओगे तो फल गिरेगा तो चूस लोगे, ठीक है आपका फायदा है। पेड़ का काम है फल देना, नदी का काम है आपके खेतों के बीच से निकलते हुए सिंचाई करते जाना। अब आप जो है बीज नहीं बो रहे हो, नदी तो आपके खेत से निकल गई, अब आपने बीज बोया नहीं, और जब जो है नदी सूख गई तो बोले यार क्या बताएं, नदी सूख गई। अरे नदी नहीं सूख गई, तुमने कोई कर्म नहीं किया, ऐसे अपने जीवन में एक लक्ष्य बना करके चलिए,
अपने जीवन में एक उद्देश्य जरूर बनाइए कि मेरे द्वारा जीवन में सबका हित करूंगा, और कुछ नहीं है तो एक संकल्प बना लो, मेरे द्वारा जीवन में किसी का अहित नहीं होने दूंगा। आप किसी का हित नहीं कर सकते, अगर आपने संकल्प ले लिया मैं अपने जीवन में कहीं कहीं किसी का अहित नहीं होने दूंगा, तो आप देखना ऑटोमेटिक अपने आप ही आपके द्वारा हित होने लगेगा। ये नियम है, ये प्रकृति का बड़ा खेल है। जैसे ही आप कोई पवित्र विचार मन में लाते हैं उसकी पूर्ति होने लगती है। परीक्षा तो होती है, प्रकृति से बड़ा परीक्षा लेने वाला कोई नहीं है। प्रकृति जब परीक्षा लेती है ना तो साम दाम दंड भेद और इससे भी ज्यादा। हमने आपको बताया कि आश्रम में जब शुरू शुरू में आना हुआ, ठीक है ना, तो कभी मच्छर तक नहीं मारे थे, ठीक है ना, और वहां पर जमाने भर के जीव जंतु देखने को मिलते थे और कभी मारे नहीं, ठीक है ना, कभी। और ये संकल्प कि मारना कभी नहीं मुझे। कई बार जो है घर में बोल दिया जाता था कि बताओ घर में फलाना जानवर जीव घुसा है कि मारते नहीं हो ऐसा, लेकिन अब नहीं मारे। और मन में यह था कि कभी हम किसी जीव को, हमारे चाचा जी क्या कहा करते थे, उनकी धरती पृथ्वी और हम उन्हें भगाई, हमारे चाचा जी कहा करते थे। तो मन में भाव बचपन, जिसे कहते हैं संस्कार शुरू से मिलते हैं। हम लोग जब शहर से गांव आए, हमारे चाचा जी बात हमेशा कहते थे, हमारे घरों में और गांव देहातों में सबके घरों में कहीं ना कहीं सर्प है, बिच्छू है, कुछ ना कुछ ऐसा निकलता है, ठीक है। और तो हमारे चाचा जी कहा करते थे कभी भी, हमारी माता जी कहें कि ऐसे ऐसे जीव जंतुओं को पाल पोस के रखे हो, तो चाचा जी हमारे कहते थे कि हम पाले पोसे किसी को नहीं है, ये उनकी धरती पृथ्वी है, वो रहते हैं, हम लोग तो उनके घरों में जबरदस्ती कब्जा किए हैं। और लोग आज देखिए जंगलों में जा जा करके कब्जा कर रहे हैं, जंगलों में जा करके मकान बना रहे हैं, बड़े फार्म हाउस बना रहे हैं, और कहते हैं शेर घुस गया। अरे शेर क्यों नहीं घुसेगा, आप शेर के घर में घुसे हो तो शेर आपके घर में ना घुसेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के हमारे जीवन में इस तरह की व्यथा, तो आपको जो बता रहे थे हम उसको सुनिएगा, बहुत छोटी सी घटना है। एक व्यक्ति जो है उसको नियमित रूप से मांस खाने की आदत थी, वो रोज उसको मांस चाहिए था और वो ताजा मांस का बड़ा शौकीन था। बच्चे लोग बैठो ध्यान सुनना है, ताजा मांस खाने का बड़ा शौकीन था वो। एक दिन एक मांस की दुकान में गया, और जब मांस की दुकान में गया तो वहां पर उसने दुकानदार से कहा कि भैया हमको ताजा मांस चाहिए। उसने कहा अभी इतनी जल्दी ताजा मांस तो नहीं मिल पाएगा। तो बोले फिर, तो बोले एक काम करो आप रुको आधे घंटे रुको आपको, बोले मैं तो आज ताजा मांस ही लेके जाऊंगा। बोले ठीक है। अब होटल वाले हैं आजकल तो चलता है, होटल वाले ने क्या किया आपको बताएं, बड़ा कष्टदायी बात है, थोड़ा ध्यान सुनिएगा। एक स्कूल गया जहां छोटे बच्चों का स्कूल था, छोटे बच्चों के स्कूल के बाहर खड़ा हो गया वो। जैसे छुट्टी हुई तो चुपचाप एक बच्चे को पकड़ के ले आया, छोटे बच्चे को, और ला के बढ़िया जो है जीरा फ्राई करके और परोस दिया। उसने खाया और बोला आधा पैक कर दो, आधा पैक कर दिया और आधा खा लिया। बैठिए, अब क्या हुआ, घर गया, पैसा वैसा सब दे दिया। घर जाने के बाद में उसके बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हुआ, बहुत गंभीर बात है, थोड़ा समझना पड़ेगा। बच्चे का स्कूल से आने का टाइम हुआ, इंतजार कर रहा, अभी तक बच्चा नहीं आया, क्या बात है। और इसके बाद में स्कूल गया तो बोले भैया, नौकर से चपरासी से पूछा, हमारा बच्चा आज घर नहीं पहुंचा, क्या बात है। बोले बच्चा तो चला गया आपका। बोले किसके साथ। बोले एक आदमी लेके गया है। बोले अच्छा, तो सीसीटीवी कैमरा आजकल लगे रहते हैं, तो कैमरा चालू किया, तो कैमरे में क्या देखा कि जिस व्यक्ति ने खाना परोसा था वही व्यक्ति जो उस बच्चे को ले गया है। हालांकि उस आदमी को नहीं मालूम कि बच्चा किसका है, उसके लिए तो मांस था वो, सीधा सीधा ताजा मांस। अब इसके बाद में उसकी हालत खराब हो गई, जैसे उसने सीसीटीवी कैमरे में देखा, उसके मन में तो बात आ गई और आया घर में, जब मांस को खोला, देखा, और जल्दबाजी में बनाने वाले ने उसको फटाफट बना दिया था,
ध्यान नहीं दिया था, उस बच्चे के गले में कुछ लॉकेट थी, वही मांस में वो लॉकेट जो है उसको मिल गई। वो बच्चा किसका था? उसका खुद का बच्चा था। वो ताजा मांस खाने के चक्कर में किसका खा लिया उसने? अपनी संतान को खा लिया। ये हो रहा है तो आप पवित्र आत्माओं से निवेदन है, वो भी जीव है, किस जीव को खाना चाहिए किस जीव को नहीं खाना चाहिए हमको नहीं मालूम। ये बात हम बहुत अज्ञानी हैं, हमको ये नहीं मालूम। हम ये नहीं कहेंगे कि किस जीव को खाइए किस जीव को नहीं खाइए, परमात्मा ने क्या योजना बनाई है, लेकिन प्रयास करें हम कि परमात्मा ने अच्छी चीज़ें बनाई, फल बनाए हैं तो फल खाएं, घी दूध गुड़ शक्कर ये सब बनाया उसने तो इनको खाएं। हम मांस खाने को ना आपको मना कर रहे हैं और ना आपको प्रेरित कर रहे हैं, ये आपकी इच्छा है, आप जानिए, ठीक है ना। आपको अपने मन को, अपने मन को हमने संभाल लिया, अपने मन को संभालने पर ही जो है ना सारे निर्णय होते हैं। बोले श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय रामचंद्र भगवान की जय। महंत बाबा की जय। हनुमान जी महाराज की जय। धरती माता की जय। भारत माता की जय। आप सभी पवित्र आत्माओं की जय हो जय हो जय हो। और इस पवित्र चिंतन के साथ में हम सबने अपने आप को परमात्मा के नाम की ऊर्जा दी, इस ऊर्जा से हम और ऊर्जावान बने, हमारी आने वाली पीढ़ियां भक्ति भाव से मस्त हो, ना किसी से त्रस्त हो, ना किसी से, ना किसी को त्रस्त करें, ऐसा मन में हमेशा भाव रहे।